तुलसीराम। प्रश्न संख्या 423। आयुर्वेद विभाग अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रेवदर में 11 औषधालय संचालित हैं, जिनमें आयुर्वेद चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर एवं परिचारक के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार, दिनांकवार विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। जी हाँ, रिक्त पदों को निम्न कार्रवाई कर भरे जाने हैं। नर्स कंपाउंडर 704, कनिष्ठ अनुदे आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर पदों में से 579 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष 125 पद न्यायिक प्रक्रिया के कारण रोके गए हैं, जिसके पूर्ण होते ही नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा सकेगी। चिकित्सा अधिकारी के 639 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। परिचारक रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। उक्त औषधालयों में समय समय पर पर्याप्त मात्रा में औषधियों की आपूर्ति की जाती है। बजट उपलब्धता एवं रसायन शालाओं की निर्माण क्षमता के आधार पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार औषधि आपूर्ति करवाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी महोदय से जानना चाहूँगा कि आपने जब आप में बताया कि चिकित्सक के पद 11 में से 5 रिक्त है, नर्सिंग कंपाउंडर 10 में से 5 रिक्त है और परिचालक के 9 में से 4 रिक्त है, क्या मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये खाली पद लंबे समय से चले आ रहे हैं, ये कब तक आप भरने का प्रयास करेंगे? नंबर दो है, मेरा सवाल है कि जीरावल औषधालय जो है भामाशाह द्वारा बना हुआ है और वहाँ का स्टाफ जो है लंबे समय से खाली होने की वजह से जो भामाशाह है उनके मन को एक ठेस पहुँच रहा है कि हमने यादगार के रूप में हॉस्पिटल को बनाकर सरकार को सुपृत किया था और उसके बाद में भी वहाँ के रिक्त पद होने की वजह से वहाँ की व्यवस्था नहीं हो रही है। नंबर दो पे मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई औषधालय जो है चतुर श्रेणी के पद रिक्त पड़े हैं और एक सफाई कर्मी के जो पद हैं वहाँ पर 125 रुपये मानदेय के रूप में आप दे रहे हैं, क्या सरकार उनको मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था करवाएंगे? मंत्री महोदय बताएं। मान्य अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा कि 3 प्रश्न किए हैं, पहला पदों को भरने का है जिसके लिए भर्ती प्रक्रियाधीन है, मैंने आपसे बताया है। दूसरा आपने जिरावल के लिए कहा है जिसमें 2 पद स्वीकृत हैं, 1 रिक्त है और 1 पे कार्यरत है। जो रिक्त पद है जल्दी भर्ती हमारी जो हो रही है उसमें उस पर हम लगवाएंगे। तीसरा जो आपने कहा है कि जो भत्ता जो उनको देते हैं संविदा पे 125 रुपये कम है, इसको मैं जरूर दिखाऊंगा मान्य अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहूँगा कि ये LDC जो है चिकित्सालयों के अंदर LDC की जो पोस्ट जो होती है वहाँ पर बाबू के रूप में काम करने के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ की पोस्ट जो है वो खाली है, क्या मंत्री महोदय इनको भी आप भरने का प्रयास करेंगे ताकि क्या कि वहाँ की व्यवस्था जो है, उदाहरण के तौर पर जैसे आबू पर्वत का चिकित्सालय जो बहुत बड़ा है और वहाँ पर खाली पोस्ट है जो पद जो खाली होंगे तो वहाँ की व्यवस्था जो एक तरफ तो अपन ये आयुर्वेद औषधालयों के रूप में सरकार की पूरी मंशा रहती है, पूरा अपन राजस्थान और देश जानते हैं कि भाई आयुर्वेद पे अपन उनके पुरानी परंपरा के अंदर देख कर चिकित्सा यानी कि कई लोग जो है उसके उधर विश्वास करते हैं, तो ये सारे पद रिक्त होने की वजह से मंत्री महोदय इनको पुनः आप जांच करवा कर कब तक आप भरवाएंगे ये आप बताएं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को ऐसा लग रहा है उपनेता प्रतिपक्ष जी ने ये बताया है कि सारे पद खाली हैं, इसमें 463 स्वीकृत हैं, 381 उनमें कार्यरत हैं, मात्र 82 पद खाली हैं जिनको जल्दी भरवाने की प्रक्रिया की जा रही है। और चूंकि ये एक सतत प्रक्रिया है, प्रमोशन होते हैं पोस्ट खाली हो जाती है, रिटायरमेंट होते हैं पोस्ट खाली हो जाती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में इतनी अच्छी घोषणाएं की हैं, नए पद स्वीकृत हुए हैं, नए औषधालय आए हैं, जिसकी वजह से ये संख्या इतनी बढ़ी है। बाकी मैं समझता हूँ और भी माननीय सदस्य का जो आग्रह है उस पर सरकार विचार करेगी। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय